आज हम लोग देख रहे हैं यमुना महारानी स्वच्छ और एकदम निर्मल है, क्योंकि हम लोग नित्य आचमन के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। तो वहाँ कोरोना ये जो लॉकडाउन हुआ है उससे पहले आचमन करने का भी मन नहीं करता था, इतनी स्थिति यमुना जल की ख़राब थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उसके 9 दिन के बाद ही यमुना जी इतनी निर्मल हो गई कि हाथ डाल दीजिए तो हाथ भी दिखाई दे रहा है, स्नान और आचमन का मन करता है। हमारा तो यहाँ तक एक ही बात पर पहुँचे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ ये फैक्ट्रियाँ इत्यादि इनके जो केमिकल यमुना जी में आते थे वो सब यमुना में नदियों में गिरने से बंद हो गए हैं, इसीलिए यमुना महारानी निर्मल है। कोरोना नामक एक वायरस है और वो अगर शरीर में हमारे लगता है, वो रक्त की नाड़ियों में जाता है तो शरीर डेड हो जाता है उस वायरस से। तो उसी प्रकार से ये जो फैक्ट्रियों का केमिकल है जब ये नदियों में गिरता है तो ये भी एक वायरस है, तो ये जब नदियों में जाता है तो नदियाँ भी डेड हो जाती हैं। इसीलिए सरकार से भी निवेदन है कि इस चीज़ को, इस संकेत को समझते हुए जो प्रदूषण है, जो फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल का जल है, उसको कहीं अलग ले जाएं, नदियों में न गिरने दें।